हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। जुलाई के इस मंथ में मौसम जो है वो काफ़ी बदल गया है और हमारे यहाँ भी दो तीन बार बारिश हो चुकी है, इससे कि पौधे भी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, फूलों से भरे हुए हैं और अच्छे और हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। ये गुड़हल देखिए, गुड़हल के पेड़ में मेरे जो है ये फ्लावर्स कितने सुंदर और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये इधर बोगनवेलिया है, ये भी जो है ये गुच्छों से भरा हुआ है, और पीछे ये पोनीटेल पाम लगा हुआ है, कितना हरा भरा और सुंदर दिखाई दे रहा है। पर फ्रेंड्स, बाग में आज मेरे कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर बरसात का पानी तो पड़ रहा है, लेकिन इसमें जो है वो फूलों की आवश्यकता है। वो हरे भरे तो ज़रूर हैं, लेकिन उनमें मुझे फूलों के लिए मेहनत करनी है। तो ये देखिए, जो सामने ये बेल लगी हुई हैं, ये हैं आपकी पहचान रहे होंगे, विष्णु कांता की बेलें हैं, और ये कितनी हरी भरी और फ्रेश दिखाई दे रही हैं। इनको हम क्लाइटोरिया भी कहते हैं, अपराजिता के नाम से भी जानते हैं, शंख पुष्पी भी कहते हैं, ब्लू पी भी कहते हैं, और ब्लू वाइन के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो खिलने वाले फूल होते हैं फ्रेंड्स, वो ब्लू कलर के होते हैं और वाइट कलर के भी होते हैं। ये देखिए, इधर जो मेरी बेल लगी हैं, ये वाली, ये इनमें ये ब्लू कलर का विष्णु कांता है, ये दो बेल आपकी अपराजिता की। और इधर जो ये वाइन लगी हुई है पूरी, ये दो, ये मैंने इनको जो है स्टिक से सहारा भी दिया हुआ है, ये जो इस ये वाइट कलर के आपके जो है अपराजिता हैं। तो ये जो विष्णु कांता के जो बेल हैं, इसमें अब इस समय ये आवश्यकता है कि ये हरी भरी तो बरसात का पानी पाके हो गई हैं, लेकिन इसमें जो है वो फूलों की आवश्यकता है। तो आज मैं इसी विषय पर अपने वीडियो में आपसे बात करूंगी कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो आज मैं इनमें देने जा रही हूं और जिसको पा करके इनमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस फर्टिलाइज़र के बारे में आपका क्या विचार है, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो जुड़े रहिए शुरू से आखिर तक मेरे वीडियो के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने फर्टिलाइज़र तैयार किया है, ये है एनपीके। एनपीके का फर्टिलाइज़र है ये, और इसको मैंने ये 10 लीटर के पानी में 4 टेबल स्पून एनपीके डाला है। एनपीके मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है एनपीके आपका, इस पे देखिए ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एनपीके 19 19 19। तो जो गार्डन से संबंधित है उन्हें तो पता होगा, पर मैं बता दूं, एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम का मिक्सचर होता है, बराबर मात्रा में होता है। एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस और के से पोटेशियम होता है। जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे पौधों को हरा भरा बनाने में और उनकी ग्रोथ में मदद करता है। इसके साथ ही जो है, जो आपका फॉस्फोरस है, वो आपने अगर फल के पेड़ लगाए हैं तो फल अधिक देने में, फूल के पेड़ लगाए हैं तो फूल अधिक देने में बहुत अधिक मदद करता है। तो आज मैं इसको अप्लाई करूंगी। और इसके साथ ही जो के पोटेशियम है, पोटेशियम हमारे पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है, उनके तनों को मजबूत बनाता है, उन्हें ग्रो करने में मदद करता है। इसके साथ ही जो मैंने आपको एन नाइट्रोजन बताया, वो भी पौधों को ग्रो करने में मदद करता है। वैसे प्रूनिंग जो है वो पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, परंतु अभी मेरे ये विष्णु कांता ब्लू और वाइट, इनमें फ्लावर्स नहीं आए हैं और ये एकदम हरे भरे पौधे हैं, तो ये अपने आप ही जो है समय बड्स के ऊपर है, तो मैं इनकी प्रूनिंग नहीं करूँगी, बल्कि ये कोशिश करूँगी कि इनमें अधिक से अधिक फ्लावर आए। जब ये थोड़े पुराने हो जाएंगे तो मैं इनकी एक दो महीने बाद सॉफ्ट प्रूनिंग करूंगी। तो आज हम लोग अपने पौधों में इसी फर्टिलाइज़र को अप्लाई करेंगे। बारह से चौदह इंच के गमलों में ये विष्णु कांता मैंने लगा रखे हैं। आप जितने ही बड़े गमले में लगाएंगे, इनकी जड़ों को फैलने में उतनी ही आसानी होती है। तो ये मैंने लिया है, ये देखिए, इस तरीके से मैं साइड से इनमें थोड़ा थोड़ा, एक छोटे ग्लास के बराबर एनपीके
सभी में ऊपर से डालूंगी, जड़ें इनकी खींच लेती हैं। करीब करीब एक प्लास्टिक का गिलास भर के अंदाज से, जैसे एक इतने बड़े मग में मैंने लिया है, तो उसको चार गमलों में अप्लाई कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालने से अभी इतना अच्छा मौसम नहीं हुआ है कि जो है वो हम बहुत बहुत अप्लाई करें। इसके साथ ही ये मेरे इधर टिकोमा प्लांट्स भी लगे हुए हैं जो कि फ्लावरिंग के लिए तैयार हैं, तो इसके साथ साथ मैं ये खाद इन पौधों में भी अप्लाई करूँगी। और अपने दोनों ही टिकोमा के प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र डालूँगी। ये जो एनपीके का फर्टिलाइज़र है, ये हर पौधे के लिए जिसमें भी आपको फ्लावर्स की ज़रूरत है बहुत उपयोगी होता है, और ख़ास करके ये अडेनियम प्लांट के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। अभी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से जो है वो आपका अडेनियम प्लांट्स जो हैं वो ब्लूम कर रहे हैं, पर ब्लूम करने के बाद कभी वो फ्लावर्स जो हैं वो आपके फॉल भी हो जाते हैं। तो आज सभी अडेनियम के प्लांट्स में भी मैं इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करूंगी, और उसके बाद इसमें जब ब्लूमिंग होगी तब उस पर वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। तो एनपीके एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है पौधों के लिए, आप भी अपने पौधों पर एनपीके का इस्तेमाल करें, इसके लिक्विड फॉर्म को इस्तेमाल करें, इसके पाउडर को ना डालें, और नर्सरी से असली कह के एनपीके लें, इसमें सही तरीके के पोषक तत्व पौधों को मिलते हैं। इन गुड़हल के पौधों पर भी फूल पाने के लिए मैंने एनपीके फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है, इधर बोगनवेलिया के ऊपर भी इस्तेमाल किया है अपना, नीचे मेरा आपका सावनी का पेड़ लगा है उसमें भी मैंने एनपीके का इस्तेमाल किया है। तो आज मैंने इस खाद का इस्तेमाल विष्णु कांता के ऊपर किया है। विष्णु कांता एक बहुत ही पवित्र बेल है, और ये सफ़ेद और ब्लू कलर की अगर लगी हो तो कहते हैं हमारे घर की जो निगेटिव एनर्जीज़ होती हैं उनको दूर करती है। आप भी अपने घर में विष्णु कांता, ये बहुत ही, अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो मुश्किल से 20-25 रुपए में मिल जाएगी, नहीं तो आप इसी की अगर एक ऑर्डनरी डाल को काट लें। मैं अभी प्रूनिंग नहीं कर रही क्योंकि इसमें नई नई देखिए ये कोपलें सब निकल रही हैं, तो इसी में से आप एक आध डाल काट के जिस भी गमले में लगाएंगे उसी में विष्णु कांता हो जाएगा। तो इस तरीके से विष्णु कांता के पेड़, विष्णु कांता की ये वाइन्स अपने घर में लगाएं। एनपीके के साथ साथ आप इसमें होममेड फर्टिलाइज़र, किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र, बनाना पील का फर्टिलाइज़र, ये फर्टिलाइज़र भी 15-15, 20-20 दिन में डालते रहिए। पौधों को जितना ही अच्छा नरिशमेंट मिलेगा पौधा उतना ही घना और हेल्दी बनता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।